नमस्कार, मैं प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं कोरोना के दूसरे लहर के कहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से क्लाउन टाइम की विशेष खबर। मैं क्लाउन टाइम के दर्शकों को बताना चाहती हूँ, बनारस में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। ऐसे में भले ही कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दर्जनों सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के मुकम्मल इंतजाम के दावे किए जा रहे, लेकिन हकीकत में ये सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी है। बताते चले कि वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीवी सिंह कोरोना संक्रमित होने के चलते क्वारंटीन हो चुके हैं। ऐसे में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं कोरोना से सीधी जंग के लिए क्या है तैयारी। आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है और ये जो क्षेत्र हमारा काशी है वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है उसमें ये सचमुच स्थितियाँ थोड़ी सी इस समय विकट हो चुकी हैं। जहाँ पिछले साल जो कोरोना का जो प्रथम चरण था मात्र 100 से 200 केसेज आते थे अधिकतम, और जो अधिकतम संख्या थी वो 321 की थी, जो कि वर्तमान में जो अभी आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल से अभी तक हमारे पास कई गुना इसमें इजाफा हो चुका है और प्रतिदिन 1500 से ऊपर केसेज आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए और जो अस्पतालों में जो लंबी लाइनें लग रही हैं, मैं आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा जनमानस से कि बिल्कुल ना घबराएं। सरकार आपके प्रति बहुत ही चिंतित है और आपके भर्ती कराने के लिए कृत संकल्प है। हम लोग लगातार 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, हमारा कोविड कमांड सेंटर एकदम सक्रिय कर रहा है। डॉक्टर साहब, पूरे जनपद में गरीब मरीजों के इलाज के लिए क्या इंतजाम है? हमारा पूरा फोकस हमारी गरीब जनता के लिए है और हम उनके लिए हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ESI और उसके बाद BLW हॉस्पिटल हैं जहां पे निशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो भदवर है उसके भी अधिकांश बेडों का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर लिया गया है। अभी मैं आपकी इस इंटरव्यू के बाद मैं और माननीय मंडलायुक्त महोदय वहाँ का निरीक्षण करने भी जा रहे हैं और उसके बाद जो हमारा L3 का जो अस्पताल है निःशुल्क व्यवस्था जहाँ पे वो IMS BHU जो कि पूरा पूर्वांचल का सबसे बड़ा सेंटर है वहाँ 366 बेड हमारे पास आज की तारीख में आरक्षित हैं। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ, हमारी पूरी कोशिश, हम बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और बेडों की संख्या बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल बेड्स, हम ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि ऐसा संक्रमण का काल है जब ऑक्सीजन की भी किल्लत होना शुरू हो चुकी है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। लेकिन सरकार लगातार चौकस है और हम विभिन्न एजेंसियों के मार्फत, जैसे आज ही सुबह हमारे माननीय जिलाधिकारी और माननीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जमशेदपुर में एक सीडल करके कंपनी है जिसने पिछले साल भी लिक्विड ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया था, उससे हमने वार्ता की है और उम्मीद है कि जो हमारे कमर्शियल ऑक्सीजन सप्लायर हैं हमको आज रात तक लाइसेंस दिलवाने का काम करेंगे और मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है निर्बाध रूप से आपूर्ति हो सकेगी। डॉक्टर साहब, गंभीर रूप से संक्रमित L3 कैटेगरी के गरीब मरीजों के लिए BHU में ही एकमात्र इलाज का दावा किया जा रहा है, बावजूद इसके वहां मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है, इस पर आपका अगला कदम क्या होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, ऐसा हमारे भी संज्ञान में आया है। इसको लेके हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय ने कल जब माननीय मुख्यमंत्री की जब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उनके द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हमने BHU प्रशासन को आज एक कड़ा लेटर भी जारी किया उनके निदेशक के नाम से और उनसे साथ ही अनुरोध भी किया है कि ये वो समय है कि जब हमको जनता की सेवा अवश्य रूप से करनी है, चाहे हम इसके लिए कुछ भी करें। अब ये हमारा बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास मानव संसाधन नहीं है। तो मैं अपने BHU के डायरेक्टर से भी अनुरोध करूंगा आपके मार्फत कि हमारे BHU की जो सेवाएं उसको और उत्कृष्ट और सर्वोत्तम बनाए और किसी भी मरीज को भर्ती के उसके लिए भटकना ना पड़े, जो भी मरीज आए उसको भर्ती करें। बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ, आज की वर्तमान में 366 बेड हैं, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, निजी चिकित्सालयों में इलाज के नाम पर मनमानी लूट हो रही है, हम जानना चाहेंगे कि किन निजी चिकित्सालयों को L1, L2, L3 कैटेगरी के मरीजों के इलाज के लिए क्या शुल्क निर्धारित किया गया है। इस फहरिस्त में जनपद में कौन कौन अस्पताल शामिल हैं? अभी तक हमारे पास जो निजी चिकित्सालयों की जो सूची है, जो मान्यता प्राप्त हमारे जो अस्पताल हैं उसमें 4 अस्पतालों को माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संस्तुति दी गई है, लेकिन विकट स्थितियों को देखते हुए कल मौखिक स्वीकृति मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेके अभी 12 अस्पतालों को और अधिग्रहित करने का कार्य किया है और साथ ही निर्देश जारी किया है कि जितने भी हमारे बनारस में जो अस्पताल हैं निजी क्षेत्र के वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार 10% बेड होल्डिंग एरिया बनाएंगे जहां पर संदिग्ध मरीजों को भर्ती करेंगे। संदिग्ध का मतलब यह कि जिसमें अगर कोई ऐसा लक्षण पाया जाता और कोविड की जांच नहीं हुई होती है, क्योंकि कोविड अस्पताल में वही मरीज भर्ती होते हैं जिनके पास कोविड की जांच रिपोर्ट होती है। उसके पहले ऐसे मरीज जिनको किस प्रकार की दिक्कत है तो उनके लिए हमने लगभग 90 बेड जो है हमने फिक्स कर दिए हैं सरकारी संस्थाओं में, जिसमें 30 मंडली चिकित्सालय,
30 ESI और 30 BLW में, कि इस प्रकार का कोई भी संदिग्ध मरीज सर्दी बुखार, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ है वहाँ जाके भर्ती हो, वहीं जांच होगी। यदि जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो चूंकि कोविड अस्पताल भी है तो हमको वहाँ भर्ती कराने में भी सहूलियत होगी। डॉक्टर साहब, जो जितने निजी चिकित्सालय हैं क्या वहाँ भी गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, और खासकर जो गोल्डन कार्ड धारक जो हैं मरीज उनका इलाज भी निःशुल्क करने की बात कही गई है जी, तो उन पर क्या आपके नियंत्रण है क्या इस बारे में? पूरा नियंत्रण है, पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी मरीज से कोई अनुचित किसी भी प्रकार का बिल ना लिया जाए। जो बिल फिक्स किए गए हैं हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो निजी चिकित्सालय के जो क्षेत्र हैं उसमें जो L2 के अस्पताल हैं उनकी अधिकतम राशि जो बिस्तर की है वो मात्र 15,000 रुपया है। यदि वो L3 का अस्पताल है निजी क्षेत्र में जो कि एपिक्स अस्पताल बनारस में है, प्रतिदिन 18,000 से अगर वो ज़्यादा वसूलता है तो वो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे नॉन NABH के जो अस्पताल हैं वहाँ 13,000 L2 और 15,000 रुपये L3 के लिए हैं। आयुष्मान कार्ड वालों के लिए जहाँ तक बात है उसमें भी दरों में काफ़ी संशोधन किया गया है। जो न्यूनतम दर है हमारा प्रतिदिन जो जनरल वार्ड का वो 1800 रुपये का है 2700 और 3600 के हिसाब से, और जो ICU का है वो 4500 प्रतिदिन के हिसाब से है। और लेकिन गोल्डन कार्ड वाले अगर हमारे जो ऐसे कोई लाभार्थी जाते हैं तो हम उनके निःशुल्क इलाज के लिए कृतसंकल्प हैं। डॉक्टर साहब, मेडिक्लेम सुविधा होने के बावजूद भी मरीजों से लाखों रुपए जमा कराने के बाद इलाज शुरू हो रहा है, इसमें एपेक्स हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार सूचना आ रही है, ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बातें हम लोग के संज्ञान में है, ना कि सिर्फ मेरे संज्ञान में है, माननीय जिलाधिकारी, माननीय मंडलायुक्त और जितने कमिश्नर ऑफ पुलिस सबके संज्ञान में है। मैं आपके मार्फत अपने निजी अस्पताल संचालकों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, यदि कोविड के मरीजों के साथ पैसे को लेकर अगर आपने किसी भी प्रकार की अगर कोई लापरवाही की तो सरकार कठोरतम कदम उठाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, मेडिक्लेम के मरीजों से एडवांस पैसा जमा कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं हॉस्पिटल का नाम आपको बता रहा हूँ, हेरिटेज और एपेक्स दोनों पैसा एडवांस जमा करा रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है और जैसा आपने अस्पताल का नाम इंगित किया है इसकी हम अपने स्तर से जांच करवाएंगे, खुफिया स्तर से जांच करवाएंगे, और अगर आपके पास भी कोई प्रमाण है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं अगर आप मुझे प्रमाण उपलब्ध कराते हैं इस प्रकार का तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनके संचालन का जो प्रमाण पत्र उसको भी निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। डॉक्टर साहब, बनारस में आज की तारीख में कुल कितने संक्रमित मरीज हैं, कितने बेड आपके पास खाली पड़े हैं, साथ ही ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसे आपने जारी किया हो तो वो भी क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल दिया, मैंने सारे जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं मैं सबसे आज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अपने समाचार पत्र मीडिया चैनलों के माध्यम से ये जरूर प्रसारित करें कि कोविड कमांड सेंटर बनारस में जो सिगरा पे शहीद उद्यान के पास है पूर्ण रूप से फंक्शनल हो चुका है। नंबर आप नोट कर लें 1077, हिंदी में दोहरा रहा हूँ 1077, और दूसरा एक नंबर है 0542-272-0005, हिंदी में दोहरा रहा हूँ 0542-272-0005। इस नंबर पे आप बात करके वहाँ से आप अपने मरीजों की टेस्टिंग, एम्बुलेंस से उसकी शिफ्टिंग, किसी भी अस्पताल में भर्ती कराना हो उसके लिए, या अन्य कोई जानकारी आप चाहते हो, टेली मेडिसिन की भी अगर आप जानकारी चाहते हो तो वहाँ हमारे MD मेडिसिन डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। ये जो संचालन हो रहा है 24/7 के हिसाब से हो रहा है, आप कभी भी उनको फ़ोन करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आपने नहीं बताया कुल कितने मरीज अभी संक्रमित? हाँ, अभी तक हमारे पास जो संक्रमित मरीज जो कल की संख्या हमारे पास है वो 7,187 एक्टिव मरीज हैं, और कल जो हमारी जो सैंपलिंग हो रही है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। कल हमारी 6,500 सैंपलिंग हुई है जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 8,000 से 10,000 प्रतिदिन किया जाए, जिससे कि जितनी जल्दी हम इसको सैंपलिंग करके टेस्ट कर लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सूत्र वाक्य है ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट, उस गणित को अगर हम अगर अपना लेते हैं तो कोरोना पर बहुत जल्दी हम अपना काबू कर लेंगे। तो अभी डॉक्टर साहब बनारस में कुल कितने मरीजों के इलाज के लिए आपके पास व्यवस्था है, निजी और सरकारी दोनों? अभी तक हमारे पास 900 बेड्स थे जिसको कि आज हमने जो निजी चिकित्सालयों में जो अधिग्रहण किया है या जो सरकारी अस्पतालों में हमने आज बेड्स की संख्या बढ़ाई है, आज शाम होते होते हमारे पास लगभग 1450 बेड्स की संख्या हो जाएगी, जिसमें आने वाले भविष्य में भी हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे उच्चाधिकारियों के द्वारा सेना के लोगों से भी बात की जा रही है, यदि ऐसी कोई आपातकालीन व्यवस्था आती है तो उनका भी हम सहयोग लेंगे। हमारे जो रेलवे विभाग है वो भी अपने जो उनके जो डब्बे होते हैं उसको भी हम हो सकता है कि आने वाले समय में जनरल बोगियों को हम वार्ड में कन्वर्ट कर सकें। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्लाउन टाइम्स के साथ देखिए बनारस में कोरोना का कहर रोकने के लिए रात्रि के कर्फ्यू का अजीबोगरीब नजारा। 9 बजे तक सुरक्षित आप अपने घर पे पहुंच जाएं। एक ऐसी 9 बजे से रात 9 से सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन करें। इस समय हम 80 चौराहे से गुजर रहे हैं और जहां सड़कों पर आधा दर्जन से अधिक लोग पैदल ही जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं लंका चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं इक्का दुक्का वाहन आ रहे हैं। भले ही पुलिस यहां नहीं है, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मालवी चौराहे पर, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद है और यहां पर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। रात के 11 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं कबीर चौरा के आसपास क्वालिटी आइसक्रीम वाला अभी भी आइसक्रीम बेच रहा है। इस पर कर्फ्यू का कोई असर नहीं है। रात के 12 बजने वाले हैं और मैदागिन चौराहे के आसपास मजदूरों की लंबी कतार लगी हुई है। और बड़ा करो फोटो और दूर करो बस कंबल। अभी रात के 12:15 होने वाले हैं और इसको बंद करो। रात के 12:30 बजने वाले हैं और मैदागिन चौराहे पर मजदूरों की लंबी कतार लगी हुई है। यहां पर कर्फ्यू का कोई असर नहीं है। यह इलाका थाना कोतवाली क्षेत्र में आता है और आप देख सकते हैं उसके ठीक बगल में पुलिस बूथ भी है, लेकिन यहां कर्फ्यू का कोई असर नहीं है। मैदागिन चौराहे पर जैसा आम दिनों में हुआ मैदागिन चौराहे पर जैसी हलचल आम दिनों में हुआ करती है वैसी ही हलचल आज कर्फ्यू में भी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मजदूर बेखौफ होकर यहाँ एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ आप लोग यहाँ बैठे रात में? अरे रात को 9 बजे के बाद कर्फ्यू है भैया। आप लोग अपनी रोजी रोटी के इंतजार में हैं। आप आपस में दूरी तो बना सकते हैं, वो भी नहीं बना सकते। देखिए आप लोग आपस में हैं। इन मजदूरों की भी मजबूरी है कि इन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजार है, लिहाजा इन्हें रात के कर्फ्यू में भी अपने पापी पेट के लिए यहाँ चौराहे पर खड़ा होना पड़ रहा है। अब तुम्हारी बुलानाला चौराहे पर पार्सल ढोने वालों की सरगर्मी काफी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मजदूर माल ढुलाई में जुटे हुए हैं और रात के 12:30 बजने वाले हैं। यहाँ पर कर्फ्यू का कोई असर नहीं है। एकदम वाइड एंगल है, तो वाइड कर दिया रोड फैला के, ताकि ना चौक क्षेत्र में माल ढुलाई करने वाले ट्रकों के चलते पूरी सड़क अटी पड़ी हुई है।
कर रही हो। कर्फ्यू में भी, कर्फ्यू में पूरी सड़क जाम है, दर्जनों ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। ऐसा लगता है कि शायद कर्फ्यू के दौरान इन ढुलाई करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं है। गधे को, गधे को दिखाओ, गधे, ये गधा यार, ये देखो ना, चौक क्षेत्र में गलियों से मलबा निकालने के लिए गधे भी सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। चौक क्षेत्र में सकरी गलियों से मकान निर्माण करने वाले अपने घरों का मलबा गधों के माध्यम से फेंक रहे हैं। बंद करो। क्लोन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लोन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए लाइक जरूर करें।